नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे जिस स्टॉक में अभी काफी तेजी देखने मिला है, मतलब जिस स्टॉक में एक रैली है। अभी जो मार्केट है हमारा वो बुल रैली में है और ये मार्केट का बुल रैली कभी भी ओवर हो सकता है, इसलिए आपको कंसियस रहना है, अभी लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। ये दोस्तों, जो भी इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक को अभी बाय करते हैं तो उन्हें नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि जब सारे के सारे लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, काफी सारे के सारे लोग खुशी होकर के बाय कर रहे हैं, तो सारे के सारे लोग अभी चीयरफुल हैं, तो आप फेयरफुल हो जाइए। क्योंकि इन्वेस्टर है कि जब सारे लोग फेयरफुल है, मतलब मार्केट में जब बड़ा गिरावट हो रहा है तो उस समय इन्वेस्टर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अभी स्टॉक देखिए काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। अभी बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी का, ये स्टॉक मात्र 300 रुपीज़ 400 का हुआ करता था जब मैंने आपको बताया था, अभी ये 20,000 का हो चुका है। तो क्या अभी आपको इन्वेस्ट करना सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह स्टॉक यहाँ से गिर भी सकता है, या हो सकता है यहाँ से ये 20,000 से 50,000 रुपये भी ये स्टॉक जा सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ये बोल रैली अभी निफ्टी 15,000 पे, हो सकता है 20,000 भी चला जाए, लेकिन अभी आपको कॉन्शियस रहना है। अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर आपके फेवर में जाता है तो स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलिए, अगर फेवर में नहीं जाता है तो बस आप स्टॉप लॉस लेकर के, मतलब छोटे से लॉस को लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो जिन स्टॉक में काफ़ी तेजी है उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, और आपको मार्केट का बता ही दिया आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो जो डिलीवरी में क्वांटिटी लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए स्टॉप लॉस आप जीरोधा में लगा सकते हैं, इसलिए जीरोधा में अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा, जीरोधा में जाइए अभी अकाउंट ओपन कीजिए। अलाइड डिक्सन टेक्नोलॉजी आज 4% का देखने इसमें तेजी है, और इतना बड़ा शेयर उसमें 4% की तेजी, 19,480 रुपीज़ का ये स्टॉक है, इसमें 4% की तेजी देखने मिला है, और ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। अगर मार्च में गिरावट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो वहाँ से आप देख लीजिए ये स्टॉक जो है लगभग 468% का रिटर्न दे चुका है, लगभग आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5 गुना कर चुका है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए रहते 1,00,000 रुपये, 4,68,000 रुपये का रिटर्न आपको प्राप्त होता, कुल आपका 5,68,000 रुपया हो जाता, तो इतना बेहतरीन रिटर्न दिया इस स्टॉक ने गिरावट से। वहीं दूसरे नंबर पे जो हमारा स्टॉक है वो एप्पल इंडिया, ये इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त का तेजी है, 10% का अपर सर्किट लगा है, 5,092 रुपीज़ का स्टॉक हो चुका है। ये भी स्टॉक मैंने काफ़ी बार आपको रिकमेंड किया था, देख सकते हैं ये स्टॉक जब 1,500-2,000 का था उसी समय से बताया था, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट किए रहते तो आप अभी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करते। वहाँ से बात करें मार्च के गिरावट से तो ये भी 438% का रिटर्न दे चुका है, तो ये भी डिक्सन टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। शेयर का प्राइस को मत देखिए, रिटर्न को देखिए, रिटर्न में ये भी स्टॉक किसी भी स्टॉक से कम नहीं है। उसके बाद अगला जो हमारा है रूट मोबाइल, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, इसका IPO इसी साल लिस्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो IPO लिस्ट हुआ 651 रुपीज़ पे, और वहाँ से सितंबर में लिस्ट हुआ और वहाँ से 134% का रिटर्न दे चुका। ये काफ़ी समय तक कंसोलिडेट हुआ लगभग 1100 से 1200 के बीच, इस प्राइस में 1100 से 1200 के बीच काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट होता रहा, वहाँ से फिर नीचे एक करेक्शन आया 1130 तक, और देख सकते हैं उसके बाद इस पर ज़बरदस्त की तेज़ी आई है, और ये 20% का अपर सर्किट आज इसमें हिट हुआ है और 1525 रुपये का स्टॉक हो चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन है। हमने इसमें 1280 रुपये का ही टारगेट दिया था, बहुत सारे लोग पूछे थे कमेंट बॉक्स में, तो सारे के सारे टारगेट इसमें अचीव हो चुके हैं। अब तो ये स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका है, यहाँ से अगर इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 2000 आसानी से जा सकता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है बालाजी एमाइंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, इसमें भी 13% की तेज़ी, केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। इस स्टॉक में भी अगर गिरावट में बात करें तो यहाँ से देख लीजिए जो मार्च में गिरावट हुआ था वहाँ से ये स्टॉक भी 672% का रिटर्न दे चुका है, तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी एप्पल इंडिया से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 2007 से अभी तक की बात करें तो लगभग 7000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ये सारे के सारे स्टॉक हैं, तो ये सारे स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में लगा कर रखना है। अगर पोजीशन लेना है तो इंट्राडे में ही सबसे पहले आवर्ली चार्ट आपको लगाना है चार्ट पे, और कोशिश करना अगर आप प्रॉफिट में आते हैं तो अगले दिन के लिए होल्ड करें, नहीं तो नहीं, क्योंकि मार्केट में किसी भी दिन थोड़ा सा करेक्शन आ सकता, गिरावट आएगा तो इन सारे स्टॉक्स में भी आपको करेक्शन देखने मिलेगा। अगला स्टॉक है हमारा JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, अभी करेंट प्राइस देख लीजिए 1192 रुपया है, इसमें भी 10% का अपर सर्किट। ये भी स्टॉक में अगर बात करें
यहाँ से गिरावट में, मार्च में जो गिरावट था वहाँ से इसमें रिटर्न की बात करें तो 166% का रिटर्न देखने मिला है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा पसुक लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, इसमें भी 11% की तेजी है। आज इस स्टॉक का प्राइस हो चुका 4889 रुपीज़, और इस स्टॉक में भी काफ़ी गजब का तेजी है। और इस स्टॉक में भी अगर रिटर्न की बात करें मार्च से अभी तक में ये 191% का रिटर्न दे चुका है, तो ये भी स्टॉक किसी भी स्टॉक से कम नहीं है रिटर्न देने के मामले में। उसके बाद IDFC लिमिटेड, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, 7% की तेजी है। इसमें भी हमने आपको बताया था जब ये 20 रुपीज़ 18 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था कि अगर आप 50 रुपीज़ से नीचे के स्टॉक है तो उसमें से एक बेहतरीन स्टॉक ये है जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्टॉक में अगर रिटर्न की बात करें मार्च के गिरावट से तो 275% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। इसमें भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिविडेंड यील्ड भी इस स्टॉक का काफ़ी बेहतरीन है, 1.48% का डिविडेंड यील्ड है। तो ये सारे स्टॉक है जिसमें अभी काफ़ी गजब की तेजी है, लेकिन दोस्तों पोजीशन जब भी लें इन्वेस्ट करने के लिए या आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, क्योंकि मार्केट में अगर गिरावट आती है तो आपका जो स्टॉक है 50% तक भी गिर सकता है, 40% 30% 20% कोई भी करेक्शन हो सकता है, तो ऐसे में आप पैनिक हो जाएंगे, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। अगर आपका व्यू 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए है तो कंपनी जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो ओवरऑल तो ऊपर ही जाना है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।